आज की आज के अस्थिर माहौल में स्थिरता लाने के लिए भारत सरकार दुनिया के भारत सरकार हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और कोने कोने तक यह स्थिरता लाने के लिए कानून में एक बेदारी लाने की कोशिश में हमारी भारत सरकार है और इसी कोशिश को अंजाम देने के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो इस कानून विषय बेदारी को लेकर जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, इस प्रोग्राम की प्रस्तावना करने के लिए मैं राज्य शास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर नसीम बानो जी को आवाज देता हूँ, वह आए और इस कार्यक्रम की प्रस्तावना करें। ऑनरेबल प्रिंसिपल एस सी हाले सर, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकील अहमद, फैकल्टी ऑफ द कॉमर्स डीन डॉक्टर आरिफ अंजुम, एकेडमिक हेड डॉक्टर मुबीन नजीर अहमद, ऑल एच ओ डीज एंड माई कलीग प्रोफेसर, टूडे हैव कम द चीफ गेस्ट, माई डियर स्टूडेंट्स, वेरी नाइस गुड मॉर्निंग। टूडे हैव गैदर्ड हियर फॉर the program of love awareness among the students by the organized department of political science and the collaborations of the Nasik district court and the local court of Malegaon city. The key our culture is the heterogeneous culture and various culture means multilinguistic, multi-caste, multi-color, multi-creed, multi-religion. Dr. Baba Sahab Ambedkar wrote that the carefully our Indian constitution and he was the permanent draft committee chairman of Indian constitution. Dr. Baba Sahab Ambedkar wrote that outstanding features of fundamental rights. Fundamental rights means yani humko insani zindagi guzarne ke huquq muhayya kiye gaye hain. Fundamental rights are the guardian and custodians of our judiciary and he was to provide of the protections of the human rights for the Indian people and Indian citizen. Dekhiye article number 14 to provide of the equality before eyes of law. Kanoon ki nazar mein har koi barabar hai. The don't discrimination the basis of caste, color, creed, race, religion, sex, etc. यानी हमारा हिंदुस्तान कानून, हमारा हिंदुस्तान का दस्तूर जो है जमहूरी हुकूमत है और यहाँ पर कानून को जो है इम्पोर्टेंट दी गई है और इसी तरीके जो है आज हमारे दरमियान कानून की जागरूकता पैदा करने के लिए हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, वो इसी मौजू पर अपने ख्यालात को पेश करेंगे। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरती से आज के कार्यक्रम को बहुत ही आसान तरीके से आज के कार्यक्रम के उद्देश्य को आज के कार्यक्रम की अनेक परतों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अभी मैं हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है कि आए हुए मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करना, आए हुए मेहमान नवाजी करना, यह हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है और इसी संस्कृति को हम आज भी जिंदा रखे हुए हैं और इसी संस्कृति को बरकरार रखने के लिए मैं आए हुए मेहमानों का स्वागत करने के लिए डीन ऑफ कॉमर्स महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था के डीन ऑफ कॉमर्स डॉक्टर आरिफ अंजुम जी को विनती करूंगा कि वह आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शिवानंद हरि सर, माननीय श्री डीडी कुरुलकर साहेब जिला न्यायाधीश, माननीय श्री डीवाई गौड़ साहेब जिला न्यायाधीश, एडवोकेट एस के वानी वकील बार संघ मालेगांव,
एडवोकेट श्री बाला साहेब पाटिल अध्यक्ष वकील बार संघ मालेगांव, एडवोकेट श्री मुकुल शिंदे जूनियर प्रतिनिधि वकील बार संघ मालेगांव, ऑन बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी विद्या मंदिर, ऑन बिहाफ ऑफ एन देवी आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टाफ मेंबर्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल द डिग्निटरीज, ऑल द गेस्ट फॉर टूडेज प्रोग्राम। मैं आए हुए सभी प्रोग्राम के गेस्ट का मैं वेलकम करता हूँ। अरे कॉलेज के एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा विद इन अ मिनट। सबसे पहले चीज, मैं हमारे प्रोग्राम में जो आए हुए जिला न्यायाधीश हैं, मैं सबको बताना चाहूँगा, ये हमारे कॉलेज के 50 इयर्स है सर। तो आप समझ सकते हैं वी आर वर्किंग सिंस लास्ट 50 इयर्स। सर से अभी बातचीत हुई तो सर ने कहा कि यहाँ कौन कौन कोर्सेज चलते हैं, तो हरे सर ने जो लिस्ट बताते चली गई, तो लिस्ट वी हैव वेरी एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ कोर्सेज, बट एज फार एज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, यू कैन सी दैट वी आर कंडक्टिंग दोज कोर्सेज विद अ वेरी लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी आर वर्किंग सिंस लास्ट 50 इयर्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन स्पेशली टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया दैट माइनॉरिटी इज फार बिहाइंड इन द एजुकेशन सेक्टर, एंड वी आर स्ट्रगलिंग फॉर द since last 50 years to educate the minorities especially, and it is one of the important task by the Mahatma Gandhi Vidya Mandir and the Hire family that they have started this college in the 1971 sir, especially Mahatma Gandhi Vidya Mandir jo college shuru kiya tha minority students ke liye, aur jab se leke 50 years se hum log yahan pe courses offer kar rahe hain, ग्रेजुएशन में बीए, बीकॉम, बीएससी, वीओ कोर्स है, कम्युनिटी कॉलेज है, उसी तरह पीजी में हमारे पास एमकॉम है, उसके अलावा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का मालेगांव शहर में सेंटर है जिसमें बीए, बीएससी और एमए के बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे चलते हैं। तो मैं एक बार फिर से स्पेशली महात्मा गांधी विद्या मंदिर की तरफ से, हीरे फैमिली की तरफ से आए हुए सभी मेम्बर्स का, सभी गेस्ट का मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू कार्यक्रम की प्रस्तावना और स्वागत को सुनकर आप या कार्यक्रम की प्रस्तावना और स्वागत के अनुसार आज के कार्यक्रम के विषय के विस्तार को देखकर आप लोगों के मन में यह उत्सुकता होगी कि ऐसे बड़े प्रोग्राम के लिए और ऐसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम के लिए आए हुए मेहमान कौन कौन से होंगे। तो इस प्रोग्राम के लिए, इस कार्यक्रम के लिए जो मेहमान हमारे यहाँ प्रस्तुत हुए हैं वह कानून के रखवाले हैं, और देखिए हर एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है, वह जब भी कानून के रखवाले किसी भी व्यक्ति को देखता है तो वह अति उत्साहित हो जाता है और उसको बार बार देखने की इच्छा अपने दिल में रखता है। तो ऐसे कानून के रखवाले जो भारत सरकार की कानून विषय सजगता लाने की कोशिश में प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर आए हैं, ऐसे कानून के रखवाले आज के मेहमानों का परिचय करने के लिए मैं कॉमर्स विभाग के अध्यापक शरीफ सर जी को आवाज दूंगा कि वह आकर अपने आज के मेहमानों का परिचय कराए। शुक्रिया सर जी। महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचालित आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी और तालुका विधि सेवा समिति तथा वकील संघ मालेगांव, इन दोनों के मिलाकर आज का जो यहां पर कार्यदीक्षित प्रोग्राम जो जिसका आयोजन किया गया है, इस आयोजन में आए हुए सभी मेहमानों का मैं सबसे पहले संस्था की जानिब से और अपने कॉलेज की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम में जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ आज आई हैं, बस उनका परिचय करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। सबसे पहले माननीय श्री डी डी कुरुलकर साहब जो जिला न्यायाधीश है और उसके साथ में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश है मालेगांव शहर के, मैं इनका फिर से एक बार कॉलेज की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ। इसलिए जो आज हमारे यहाँ के जो अतिथि हैं माननीय श्री डी वाई दौड़ साहेब, ये भी जिला न्यायाधीश है और इसी के साथ ये अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी है मालेगांव शहर के, मैं इनका भी कॉलेज की जानिब से फिर से एक बार तहदिल से इस्तकबाल करता हूँ। इसी के साथ जो हमारे तीसरे जो अतिथि हैं आज के, एडवोकेट एस के वानी साहब जो वकील बार संघ मालेगांव से हैं, इनका भी मैं अपने कॉलेज की जानिब से, अपनी संस्था की जानिब से
तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ में एडवोकेट श्री बाला साहब पाटिल जो वकील बार संघ के अध्यक्ष है, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और उसी के साथ में एडवोकेट श्री मुकुंद शिंदे जो जूनियर प्रतिनिधि है बार वकील बार संघ मालेगांव, इनका मैं तहदिल से यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। फिर से एक बार आए हुए सभी मेहमानों का उन्हीं के साथ जो और उनकी जो टीम आई है उन्हीं का भी मैं फिर से एक बार संस्था की जानिब से और अपने कॉलेज की जानिब से यहाँ पर फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अभी मैं हमारी संस्कृति के अनुसार आए हुए मेहमानों को शॉल पुष्प गुच्छ देने के लिए हमारे महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचालित कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय मालेगांव शहर के प्रधानाचार्य डॉक्टर शिवानंद आर्य जी से विनती करूँगा कि वह आज के मेहमान न्यायमूर्ति डीडी गुरुलकर साहब जी का पुष्पगुच्छ शॉल देकर सत्कार करें और उनका स्वागत करें। श्री काले सर, डीडी गुरुलकर साहब जी का सत्कार करें। पुनः एक बार मैं प्रधानाचार्य डॉक्टर श्री शिवानंद हाले जी से विनती करूंगा कि वह न्यायमूर्ति डी वाई गौरजू गौर जी का शॉल पुष्पगुच्छ देकर सत्कार करें। श्री शिवानंद हाले सर डी वाई गौर जी का सत्कार कर रहे हैं, सब तालियां बजाकर धन्यवाद देंगे। अभी मैं महात्मा गांधी विद्या मंदिर के डीन ऑफ कॉमर्स डॉक्टर अरिफ अंजुम जी से विनती करूंगा कि वह आज के तीसरे मेहमान एडवोकेट एस के वानी जी का शॉल पुष्पगुच्छ देकर सत्कार करें। अभी मैं हमारे महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर शकीब अहमद जी से विनती करूंगा कि वह बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट श्री बाला साहेब पाटिल जी का पुष्पगुच्छ और शॉल लेकर सत्कार करें। महाविद्यालय के फैकल्टी इंचार्ज डॉक्टर मुबीन नजीर जी से मैं विनती करूंगा कि वह आज के मेहमान एडवोकेट श्री मुकुंद शिंदे जी का पुष्प गुच्छ देकर सत्कार करेंगे। डॉक्टर मुबीन सर अभी मैं महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर शाकिब अहमद जी से विनती करूंगा कि वह आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्री शिवानंद हले जी का पुष्पगुच्छ और शॉल लेकर सत्कार करेंगे। डॉक्टर शाकिब सर श्री शिवानंद हले सर जी का शॉल और पुष्पगुच्छ लेकर सत्कार करेंगे। धन्यवाद। अभी मैं कार्यक्रम को लंबा न खींचते हुए तुरंत मैं आज के प्रमुख वक्ता एडवोकेट मुकुंद शिंदे जी से विनती करूंगा कि वह आकर हमारे छात्रों को और हम सबको अपने बहुमूल्य विचारों से प्रेरित करें, मार्गदर्शन करें। आए हुए सभी मेहमानों का अतिथि दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ।
सबसे पहले कॉलेज की 50 साल पूरे होने के लिए आपके संस्था चालक के सभी स्टाफ को सभी फैकल्टी को और सभी स्टूडेंट को बधाई देता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के चीफ प्रेसिडेंट कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आए हुए यहाँ पे चीफ के सम्मान्य जजेस श्री गुरुकर साहब, उनके साथ आए हुए सम्मान्य जजेस श्री गौर साहब, मालेगांव वकील संघ के प्रेसिडेंट सम्मान्य बाला साहब पाटिल साहब, उनके साथ आए हुए वक्ता सम्मान्य एस के वाणी साहब और यहाँ पे आए हुए सभी छात्रागण और विद्या मंदिर के सभी फैकल्टी का आपका यहाँ पे स्वागत। मैं वकील संघ का जूनियर प्रतिनिधि रहने के ये कार्यक्रम छोटी थाने में 2 मिनट में प्रस्ताविक सादर करता हूँ। भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि भारत स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, 75 साल चल रहे, 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव करने के बाद पैन इंडिया अवेयरनेस अंतर्गत मालेगांव विधि सेवा समिति और मालेगांव वकील संघ इन दोनों के सहयोग की वजह से भारतीय संविधान के भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के 39 क में लिखा हुआ है कि सबको न्याय मिलने पर सबको न्याय कैसे मिलता है। अपनी तरफ आज भी इंडिया में देखा जाए तो पॉपुलेशन के बारे में सबको न्याय यहाँ पे नहीं मिल पाता, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह से बहुत सारे अनलिटरेट अनएजुकेटेड लोग हैं अपने यहाँ पे, अपने यहाँ पे पढ़े हुए लोगों बहुत कम है। मालेगांव का तालुका देखें तो मालेगांव में बहुत सारे पावर लूम है, साइजी के वर्कर है, वहाँ पे एजुकेशन की दूर दूर तक कोई संबंध नहीं और एजुकेशन उसके बाद यहाँ पे आपने तरफ मालेगांव का माहौल देखते हुए आपने तरफ पावर लूम साइजिंग के जो लोग हैं उनके ऊपर जो कानून है उनके ऊपर जैसे कारोबारी के ऊपर चलते हुए काम धंधे नहीं रहते आपके पास, तो इसके वजह से रुका था और साइजिंग पावर लूम के लोगों को उनका गए फायदा उठाते हैं। ऐसे में आप लोग क्या करते हैं तो मालेगांव तालुका विधि सेवा समिति और मालेगांव विधि सेवा और मालेगांव वकील संघ इन दोनों के सहयोग से मालेगांव में विधि सेवा समिति जिनको वकील प्रोवाइड नहीं हो सकते, जिनके पास पैसे नहीं वकील देने के लिए या जिनके पास अन्याय हुआ है, इंसाफ नहीं मिलता, ऐसे लोगों के लिए क्या करते हैं तो मालेगांव वकील संघ में एक विधि सेवा समिति द्वारा एक समिति बनाई हुई है। वहाँ पे आपको सिर्फ एक आर्थिक लेना पड़ता है और उनको कहना पड़ता है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर यहाँ पे अन्याय हुआ है, उसको इंसाफ नहीं मिला, तो आपको आप बहुत सारे यहाँ पे पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं उनको यही सहायता करनी पड़ेगी कि आपको एक साथी आर्थिक लिख के विधि सेवा समिति द्वारा आपको दी जाएंगी। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे वकील दिया जाएगा, वहाँ पे आपको एक ही खर्चा ना होते हुए आपको वहाँ वकील मिलेगा, आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेंगे नहीं, आपको जो भी खर्चा है वहाँ पे वकील संघ या तालुका विधि सेवा समिति ऐसे प्रोग्राम उस कार्यक्रम के जरिए आपको वकील वापस दिया जाएगा। और इसमें को किस किस को वकील मिल सकते हैं, यहाँ पे जो महिला है जो 18 साल के लड़के हैं बड़े बच्चे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको तालुका विधि सेवा समिति आपको वकील प्रोवाइड करेंगे। जैसे अनुसूचित जाति और जमाती जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो लोग आते उन्हें भी ना इंसाफ नहीं मिलता, उनके पास भी बहुत सारी चीज़ों के अभाव होते हैं, पैसे नहीं होते, तो पहली बात वो चिंता सताती है कि आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में अपन मालेगांव विधि सेवा समिति से लेके मालेगांव नासिक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल से या और ऑल इंडिया तक कहाँ पे भी आपको ना इंसाफ मिल रहा तो वहाँ पे हर एक जगह पे तालुका विधि सेवा समिति द्वारा एक ऑफिस बना गया हुआ है, वहाँ पे आपको जाके आर्जी देना पड़ता है, वहाँ पे आपकी शिकायत सुनी जाएंगी और आपकी आर्जी पे तुरंत एक्शन लेकर आपको वकील प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा किस किस को आपको वकील मिल सकता है, जो लोग आरोपी जिनके ऊपर इल्जाम साबित हो लेकिन वो जेल में अभी जिंदगी निकाल रहे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपन तालुका विधि सेवा समिति आपको आके वकील प्रोवाइड कर सकती है। या फिर छोटे छोटे बच्चे उनके घर के किसी के हालात खराब है तो उनके लिए शिक्षण के लिए एजुकेशन के लिए पैसे नहीं, या फिर कोई जाने अनजाने से गलती से छोटे बच्चे से हाथ से गुना हो जाता है तो उनको भी तालुका विधि सेवा समिति वकील प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपके तरफ साइडिंग पावरों के लिए बहुत सारे मसले बनते हैं वो भी हिसाब से तो जाने अनजाने में मसलत हो जाती है तो उनके लिए भी पैसे नहीं रहते तो वहाँ पर विधि सेवा समिति अपने लिए वहाँ वकील प्रोवाइड करते हैं। और जिसका वार्षिक एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम है ऐसे कोई भी बंदा हो या फिर कोई भी जगह हो उसके 3 लाख से रुपये उसका एनुअल इनकम सोर्स कम है तो उसके लिए विधि सेवा समिति आपको तालुका पे जाओ डिस्ट्रिक्ट पे जाओ स्टेट लेवल पे जाओ या राज्य लेवल पे जाओ या भारत से जाओ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे विधि सेवा समिति द्वारा स्थापित एक समिति वहाँ पे आपको बिना मूल्य आपको वकील प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे विधि सेवा समिति के बाद दूसरा एक
प्रोग्राम ऐसे चला, लोक अदालत कहते, लोगों ने लोगों के लिए चला हुआ जो अदालत है वहाँ पे लोक अदालत होते थे, वो उस अदालत में आप दोनों पक्षकार की बात सुने जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे लोग बैठे वैसे आपको जैसे लोगों के साथ बात करने को मिलेगा, दोनों को अपनी बात करने का वहाँ पे अवसर मिलेगा, दोनों का सुन के जो निकाल आएगा और दोनों को मान्य रहेगा वो निकाल आगे चल के उसके आखिर नहीं रहती है, वो निकाल फाइनल रहता है और वो निकाल हर जगह पर मान्य रहता है। ऐसा ही काम तालुका विधि सेवा समिति और मालेगांव वकील संघ पैन इंडिया अवेयरनेस के तहत यह प्रोग्राम चला रहा है। जैसे ही भारत स्वतंत्र हो गया उसके लिए 75% होगा तो पूरे भारत में और पूरे भारतवर्ष में माता जी का महोत्सव ये प्रोग्राम द्वारा चलाया जा रहा है। ये इतना ही बोलते मैं अपना प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुला के हमारा जो खातिरदाना किया, हमारा जो स्वागत किया, मैं दिल दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी के साथ मेरी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। धन्यवाद सर। देखिए सर जी ने आज के माहौल का बहुत ही आज के इस उज्जवल माहौल का बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही स्पष्टता से हमारे सामने स्पष्टीकरण किया है, जिसको लेकर मैं मेरी कही हुई गजल का एक शेर यहाँ पर कहना चाहूंगा। किसी का किसी पर नियंत्रण नहीं है, किसी का किसी पर नियंत्रण नहीं है, नियम है नियम का अनुसरण नहीं है, न कोई बात सीरत की न कोई मोल इस्मत का, नहीं मिलता किसी की आंख में एक आंसू गैरत का। तो इस तरह से आज का माहौल बन चुका है और इस माहौल में एक नई आग जलनी चाहिए, इस माहौल में कानून विषय एक सतर्कता आनी चाहिए, ऐसे माहौल में कानून के प्रति लोग जागरूक होने चाहिए और इसी उद्देश्य को लेकर भारत सरकार ने जो योजना बनाई है और इस योजना को हमारे पास पहुंचाने का आज के पहले प्रमुख वक्ता मुकुंद जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात को हम तक पहुंचाया है और जिसके आधार पर मुझे लगता है कि इस माहौल में अलग ही प्रकार का परिवर्तन आ सकता है। जैसे नादार चिरागों को तूफान बनाते हैं, कमजोर मोहब्बत को बेमान बनाते हैं, तो इस तरह से ध्यान देकर हमें भी इस तरह की बेदारी दुनिया में कानून विषय लानी है। अभी मैं आज के दूसरे प्रमुख वक्ता एडवोकेट एसके वानी जी से विनती करूंगा कि वह आकर अपने विचारों से हमें मार्गदर्शन करें। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री हमारे एवं यहाँ स्टेज पर पधारे हुए सम्माननीय सम्माननीय डिस्ट्रिक्ट एस साहेब श्री गौर साहेब एवं श्री गुरुकर साहेब तथा हमारे मालेगांव बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री बाला साहेब पाटिल, यूँ समझ लीजिए कि सरकार द्वारा ये चलाई गई एक स्कीम है कि जहाँ तालुका सेवा समिति, विधि सेवा समिति एवं जुडिशियर या मालेगांव बार एसोसिएशन तक सीमित नहीं रहना है, हमें जुडिशियरी जो पूर्ण न्यायालय डिपार्टमेंट है और तालुका विधि सेवा समिति, इनके कोलेबोरेशन से पूरे इंडिया में यह प्रोग्राम हमें चलाना पड़ता है और इसका उद्देश्य मेन यह है कि लोगों में जन जागरूकता इस तरह की हो कि कानून क्या है, कानून से आप वाकिफ हो नहीं हो। इससे बेहतर मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि हर इंसान को उससे पहले अपने हक के बारे में मालूम होना चाहिए। ये नए नए कोर्ट्स जो भी एस्टेब्लिश हुए हैं आज भारत में, ये किस लिए हुए हैं? मानता हूँ मैं कि जो भी व्यक्ति इससे वंचित है वो आकर इसकी दरकार कर सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है, ये तो है ही है। लेकिन जहाँ
हर इस व्यक्ति का, महाराष्ट्र हो या पूरे देश की बात हो, उनका जो हक बनता है वो हक के लिए भी वो कोर्ट में आके लड़ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात इसमें समाविष्ट है और इसके लिए जन जागृति होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे लॉ के बारे में अगर पूछना हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मुकुल जी ने बताया, मैडम जी ने भी बताया कि सेक्शन 14 की जब इक्वेलिटी आए बिफोर द लॉ, और ऐसे 19 है, 21 है, यू हैव गॉट द लिबर्टी टू स्पीक, टू एक्सप्रेस योर एक्सप्रेशंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल दिस थिंग। ये बहुत छोटे पैमाने पे छोटी छोटी बातें हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बुक इतना बड़ा है और उसमें सब शामिल है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ऐसे अनेकों कायदे के पुस्तक आपको मिल जाए तो क्या ये सब बातों से आपका ये बातें सब जानना जरूरी है? तो उसमें मैं एक बात आपको अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि जो बेसिक लॉ है एटलीस्ट वो मालूम होना चाहिए, और वो बेसिक लॉ जो मैं अभी पहले मैंने जो मुद्दा यहाँ बोला है कि आपके हक की लड़ाई आपको लड़ना ही है, न्यायालय है आपको आपका हक प्राप्त हो जाए, न्यायालय पे किसी बात की शुभा आपको करने का कोई कारण ही नहीं हो। आप जहाँ भी जाओ, जहाँ आपको तकलीफ है, जहाँ आप हक के लिए लड़ोगे, आपको न्यायालय में आए आपको न्याय मिलेगा। सिर्फ अभी वकील जो है ये एक माध्यम है, आप ये बात को समझ लीजिए। वकील आपकी जो बात है, क्यों होता है कि जैसे आप लोग कॉमन मैन है, आपको ये नहीं मालूम कि किस तरह से ये पेशगाही इसकी होती है कोर्ट के सामने और इसका न्याय प्राप्त करने का क्या जरिया है, और इसके साथ में कानूनन तुम इस बात का हवाला दे सकते हो। ये सब बातें कानूनन वकील जानते हैं, इसलिए वकील एक दुआ है। ये दुआ है कि जजेस जो रिस्पेक्टेड सम्मानीय ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जजेस, ऑल दी जजेस, ऑल दी ऑफिसर्स फ्रॉम जुडिशरी आई वुड से इन दिस मैनर, कि इनके सामने फरियाद रखने का जो एक जरिया है वो वकील है। मैं अभी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, तो आपने अपने जीवन में ये जो आप अभी एजुकेशन ले रहे हैं, ये एजुकेशन लेते समय आपने कोई ना कोई गोल आपके सामने जरूर रखा होगा कि मुझे जीवन में आगे क्या बनना है। लोग सोचते हैं, अपन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं कहूंगा कि आप वकील नहीं बनिए, ये मेरा आग्रह है। आप वकील बनिए क्यों, कि मैं आपको एक बिल्कुल सच्चाई और अच्छी बात से वाकिफ कराना चाहता हूं कि ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सिर्फ लॉ तक सीमित मत रहिए, लॉ तो है ही, लेकिन ये लॉ इटसेल्फ इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि इसमें अगर आप समा गए तो समझ लो कि आपको नेशनल लेवल का नॉलेज मिल गया। ये बात बहुत सारे लोगों को, ये जैसे के नहीं, हमें तो सिर्फ लॉ नहीं, लॉ के साथ साथ आपको इतना जनरल नॉलेज और सब प्राप्त होता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जहाँ तक स्टूडेंट्स के फायदे की बात है तो आप लॉ करके आप वकीली कर सकते हैं, सौरभ रख, दूसरी बात आप पुलिस प्रोसिक्यूटर बन सकते, तीसरी बात आप न्यायाधीश बन सकते, चौथी बात आप लॉ ऑफिसर बन सकते, आप लॉ ऑफिसर कंपनी में बन सकते हो, आप किसी संस्था के लीगल एडवाइजर भी बन सकते हो। बात ये नहीं है कि आप जैसे सोचते हैं, अरे यार इतने सारे मालेगांव में वकील लोग हैं, हमें वहाँ कहाँ कितना स्कोप मिलेगा, बात ये नहीं है। बात ये है कि आप कितना अच्छे से उसको समझ लेते हो, कितना आप आपका आउटपुट दे सकते हो और उससे क्या प्राप्त कर सकते हो, आप उसमें क्या बोल लेके चलते हो, इसको ज़्यादा महत्व।
तो ये जो मैं ये दोनों पॉइंट्स मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैन इंडिया अवेयरनेस दिस इज द मोटिव एंड गोल ऑफ द तालुका सेवा इसकी सेवा समिति एंड जुडिशियरी। जैसे इतने सारे ये तो हम सिटी में है अभी हमारे सब सहार लोग जजेस लोग सम्मानीय जजेस लोग हमारे अध्यक्ष बार के बड़ा साहब पाटिल एवं सेक्रेटरी और जो पोस्ट होल्डर्स इन सभी ने यहाँ के मालेगांव तालुका के विलेजेस में जा कर के वहाँ इस बात का सब उनको परिचय करवाया कि बेसिक लॉ जो है लेडीज के लिए लॉ क्या हो सकता है। मैं देखिए ये लॉ से अवगत कराना मतलब ये नहीं कि आप घर जाके लग रहा ऐसा मत करना जी। ये हम आपको आपका हक अगर याद दिला रहे हैं या आपको उससे वाकिफ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप जो अपनी जिंदगी है वही चलने दो अच्छे से वो बात नहीं है। लेकिन लेडीज के लिए विशेष रूप से कायदा बनाया गया और हम वकील लोगों की दरकार या मैं दूसरे भाषा में कहूँ तकरार होती है कोर्ट के सामने आज जजेस लोग भी है इनके सामने मैं कहने की हिमाकत कर रहा हूँ कि ये जो कानून बना सब लेडीज के लिए बना है तो फिर जेंट्स ने क्या कर भाई कोई इनफेटेड जेंट्स भी आ सकता है आपके सामने हो सकता है कि लेडीज भी उसको तकलीफ दे रही हो और जेंट्स भी उसके बाधित हो तो आप उसको लेडीज लेकिन ये हमारे लॉ मेकिंग ऑथोरिटी प्लस सुप्रीम कोर्ट एंड दी लेजिस्लेशन इन्हें आपको पता होगा लॉ मेकिंग यानी लेजिस्लेशन इनेक्टिंग ऑथोरिटीज उन्होंने लॉ बनाने के बाद वो जैसे अभी स्त्रियों के लिए जैसे डीवी एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट स्त्री अत्याचार अगर उन पर होता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत वो कोर्ट में तकरार कर सकते एक मुस्लिम वुमेंस प्रोटेक्शन एक्ट भी है उसके सेक्शन 3 के तहत जैसे जहेज आर्टिकल्स है और वो जो रकम देते क्या बोलते महर और इद्दत पीरियड की जो उसमें वो तर्जुद है मतलब देयर इज ए प्रोविजन इन दैट पर्टिकुलर एक्ट वेरी ए मुस्लिम लेडी आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट नाउ राइट नाउ अबाउट द मुस्लिम लेडीज दैट Act itself is known as a Muslim Women's Protection Act. वो शायद मेरे ख्याल से 1986 ऐसा हो सकता है 83-86 वो राजीव गांधी के वक्त में शाह बानो केस के तहत ये लाया गया था कि इनको फिर क्या है क्योंकि तब तक इनके लिए कोई तरतूज नहीं प्रोविजन नहीं तो उसके लिए तो जैसे मैं ये आपको अवगत कर रहा हूँ इसलिए कि देखिए इतना खूबसूरत कायदा है सब बहुत सारी बातें उसमें और जनरल नॉलेज भी बहुत सारा उसमें मिलता है अगर इंटरेस्ट है तो कुछ यहाँ स्टूडेंट्स हैं मेरी स्टूडेंट है जैसे ये सबको मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि लॉ फील्ड में भी आइए अपना सिक्का जमाइए और कुछ करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि बोलिए स्ट्रेस वातावरण हो गया है ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ लोग वगैरह आते हैं ऐसा माहौल जैसे जम सा गया है तो ये थोड़ा सा रिलीज करने के लिए मेरे को एक चुटकुला याद आ गया लेकिन कोई अदरवाइज माहौल चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ। और तो जैसे एक आदमी बहुत बड़ा साहब बन जाता है अब इधर मत देखिए मैं कंपनी के साथ ऑनर एंड तो कंपनी में बहुत बड़े अफसर बन गए MD बॉडी में ले गए तो वो उनके हवा दिमाग में चले गए फिर वो घर में भी वैसे ही बर्ताव करने लगे जैसे बीवी को बोले कुछ चाहिए तो मेरे को अर्जी दो फिर मैं अर्जी में परेशान हो गए कि ये क्या है ये कोई ऑफिस है तो बोले नहीं बस ऐसे मैं तो बड़ा साहब बन गया हूँ कुछ अगर आपको घर की बात भी लाना है किराना लाना है अर्जी दो साहब हमको लाना है
साहब के दिमाग में आएगा तो आज ही मंजूर होगी नहीं तो नहीं होगी। तो ये सब बातों का सिलसिला चलते रहा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। अब क्या करे क्या नहीं करे क्या करे, हर बात के लिए इनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, लिखित में देना पड़ता है या ऑर्डर करते हैं जब ना वो फुलफिल होती है। एक बार वो वाइफ को, उनकी बीवी को बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने आगे दे दी कि मैं एक महीने के लिए मायके जा रही हूँ। साहब ने आप यकीन रखो यकीन जानो, एक सेकंड का भी वक्त जाया ना करते हुए उस पर ऑर्डर किया, सब्स्टिट्यूट में बेबी प्रोवाइडर और इमीडिएटली वर्ड्स को अंडरलाइन भी कर। तो खैर वो थोड़ा सा माहौल चेंज करने के लिए बताया। तो यहाँ का जो मेन उद्देश्य है हमारे तो हमारे ऑनरेबल जजेस है यहाँ इसीलिए आए हैं कि आपको यहाँ सब बातों से अवगत कराए। स्टूडेंट्स लोग आप आगे गोल रख के चलिए और ये जो इंडिया पैन अवेयरनेस कार्यक्रम है इसको भी मद्देनजर रखते हुए इन सब बातों का अपने हक के लिए लड़ाई कर सकते हैं। जैसे शिंदे साहब ने बताया, अर्जी दे के बिना मूल्य आपको वकील मिल सकता है, आप आगे तक जा सकते हैं। मैं सभी खारे साहब एवं उनके अंडर में काम करने वाले वाइस प्रेसिडेंट साहब, मैं आपका नाम भूल जाता हूँ, सकील साहब, सभी जो मान्यवर है इस कॉलेज के, तो सबको मैं काफ़ी धन्यवाद देता हूँ कि हमको एक ऐसा मौका दिया कि हम इससे आपको अवगत करा सके। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल। आपको मैं विशेष तौर पर शुक्रिया देना चाहूंगा क्योंकि आज इस अमृत महोत्सवी वर्ष में हम स्वतंत्रता का जो अमृत महोत्सवी वर्ष मना रहे हैं और अमृत महोत्सवी वर्ष में जी रहे हैं और स्वतंत्रता के बाद अमृत महोत्सव मना रहे हैं, फिर भी हम हमारे हक से आज भी दूर है। इस बात के प्रति हमें सजग करने के लिए मैं विशेष तौर पर पाटिल साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। सही कहा उन्होंने कि आज की तारीख में लोग अपने हक से बहुत ही दूर नजर आते हैं। जैसे कहना चाहूंगा कि अभी भी लोग गुलामों सी चालढाल में है, अभी भी लोग गुलामों सी चालढाल में है, तमाम कायदे एक शख्स के रुमाल में है। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे माहौल में सर कहते हैं कि जुगनू ही मिलाते हैं परिंदों को उजाले से, जुगनू ही मिलाते हैं परिंदों को उजाले से, सुबह दिन जागता है भास्कर उनकी किस्मत का। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य मार्गदर्शन हम लोगों को किया, इसलिए मैं दिल से उनको शुक्रिया देना चाहूंगा। अभी मैं आज के अगले वक्ता बाबा साहेब पाटिल जी को विनती करूंगा कि वह आकर अपने विचारों से हमारा पथ प्रदर्शन करें। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज के इस फंक्शन के सभी मान्यवर साहब, मेरे साथी, आपके कॉलेज के सब लेक्चरर्स और आप सरकारी स्टूडेंट्स, दोस्तों, तालीम खाने में आए तो अलग ही एक हवा महसूस होती है क्योंकि इस हवा में कुछ हमेशा एक तरोताजा पर होता है। और जब भी आप लोगों से मिलने आते हैं हम अपने आप को बड़े खुश नसीब समझते हैं। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे बिकना पड़ा है, बच गया अगर तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे बिकना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो,
क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना। हमारी जिंदगी में भी ऐसी रुकावटें, ऐसी चट्टानें जो हमारी राह रोकने के लिए आती है, ये हमारी राह तब तक रोक सकती है जब तक हम इनको लांघने की कोशिश ना करें, इनसे अलग रास्ता बनाने की कोशिश ना करें। हम हमेशा ये पाते हैं, देखते हैं और महसूस भी करते हैं कि हमारे अगल बगल में, हमारे समाज में बहुत सारे लोग और हम खुद भी कभी कभी इन रोगों से, इन जो बीच में आई हुई चट्टानों से रुक जाते हैं, जिंदगी का बहाव थम जाते हैं। तो ये बहाव ना थमे, जिंदगी चलती रहे, हर एक को अपनी राह मिलती रहे, इसके लिए आज आपके सामने मालेगांव तालुका विधि सेवा समिति और मालेगांव प्रशासन ये बार एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। इस प्रोग्राम के तहत आप लोगों को सिर्फ आपके हक की जानकारी देना, यही हमारा मकसद नहीं है। हक के साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां भी क्या है, आपको क्या क्या करना है, कैसे रहना है, ये बताने की यहाँ पर हम यहाँ पर आए। हमारे पहले वाली साहब ने बताया कि महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, महिलाओं के हक क्या है, अधिकार क्या है, हम सब इस बारे में जानते हैं। दरअसल होता क्या है कि हर संसार में जब हम कोई घर होता है, मियां बीवी सास ससुर देवर देवरानी, ये सब जो एक रहना चाह रहे थे, वहाँ ज़्यादातर देखते हैं बहुत सारी बार कि बहुओं पर कुछ जुल्म होता है, अत्याचार होता है। जो जुल्म होता है वो छोटा सा होता है, लेकिन जब वो वकील के पास जाते हैं या फिर किसी और की सलाह लेते हैं तो उसमें बहुत सारी मिर्च मिर्च लगाकर वो जुल्म को बहुत बड़ा करते हैं। और फिर आजकल कानून की तहत जो अपने को जो 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 रास्ते हैं उस रास्ते पर चलने के लिए हम आ जाते हैं, हमको एक ऐसा केस बना देते हैं कि जहाँ तकलीफ तो देने वाला शौहर होता है, कभी कभार सास होती है, लेकिन जब कोई कंप्लेंट की जाती है तो वो कंप्लेंट सास ससुर शौहर देवर देवरानी जेठानी जेठ और यहाँ तक कि जो उनकी ननद होती है, जो घर में नहीं है किसी और, उसके ससुराल में उनका भी नाम। अब इन सब लोगों का नाम उसमें शामिल करने से क्या होता है, अक्सर दरारें बढ़ती हैं। अगर आगे चलकर समझौता हुआ भी, वो दोबारा अपने घर में वापस आई तो वो पहले जैसा माहौल कभी नहीं रहता, एक जहर सा घुल जाता है जिससे जिसकी वजह से सिर्फ मियां बीवी के ही रिश्ते नहीं, पूरे घर के रिश्ते खराब हो जाते। तो ऐसे वक्त आप जब भी कोई तकलीफ होती है तो आप सबसे पहले तालुका विधि सेवा समिति की कोर्ट जाए, वहाँ से आप सलाह लें, आपको अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी। जब ये बेवजह जिनका कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे लोगों के नाम भी अगर हम उसमें शामिल कर देते हैं तो आगे चल के जब ये केस कोर्ट में खड़ी होती है, अपनी पेशगी की जाती है, उस वक्त इस केस में उतना दम नहीं रहता जितना इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि बेवजह लोगों को शामिल कर दिया जाता है। उन लोगों का कहना आता है, उनके वकील आते हैं, उनकी दलीलें पेश होती है, हम किस तरह भी गुनाह है ये सब बताया जाता है और हकीकत भी होती है, उस वक्त अपनी केस कमजोर हो जाती है। इसलिए तालुका विधि सेवा समिति की तरफ से अगर आप सलाह लें तो आपको बिल्कुल सही तरह से वो सलाह दे सकती है और आपकी केस अच्छी तरह से। हमारे पहले जो वक्ताओं ने बताया, मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, किन किन लोगों को ये तालुका विधि सेवा समिति मदद करती है, औरतों को करती है, 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को मदद करती है, अनुसूचित जाति जमात SC ST को मदद करती है, जो जिनका इनकम 3 लाख से कम है उन लोगों को भी ये मदद देती है। बस आपको एक अर्जी देनी है या फिर हर कोर्ट, हमें अपने देश में हर तालुका प्लेस में कोर्ट है, हर कोर्ट में विधि सेवा समिति है, वकील संघ, तो हर कोर्ट में जाकर आप विधि सेवा समिति से मिल सकते हैं, उनके लोगों से मिल सकते हैं और अपनी जो भी कठिनाई है, जो भी समस्या है तो बता सकते हैं और आपको बिल्कुल मुफ्त में इस बारे में जो कानून अच्छा कानून है, जो न्याय है वो मिलेगा, वो देखा। दूसरी बात, आप लोगों ने अभी आजकल जो चल रहा है
बहुत ही गर्मा गर्म मामला जो आप लोगों के सामने है आर्यन खान का। दोस्तों चरागों का दिल बहला रहे हो जहां वालों, अंधेरा लाख रोशन हो उजाला आखिर उजाला है। चरागों का दिल बहला रहे हो जहां वालों, अंधेरा लाख रोशन हो उजाला फिर उजाला है। तो ये गुलशन ही उजड़ने का गम होता तो क्या गम था यारो, गुलशन ही उजड़ने का गम था तो क्या गम था यारो, यहाँ तो बेचने वालों ने गुलशन ही बेच डाला है। हम आप लोगों के सामने ये गुलशन को बेचने से उजाड़ने से उछड़ने से बचाने के लिए आपकी जिम्मेदारियां जो है वो बताने के लिए हम यहाँ चल आए हैं। आर्यन खान की केस का मैंने जिक्र किया, आप जानते हैं आर्यन खान किनके बेटे हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। आर्यन खान की जमानत के लिए 21 दिन है, 21 दिन तक उनकी जमानत नहीं है, जबकि आर्यन खान के वकील जो है वो एक दिन कोर्ट में हाजिर होने की फीस इतनी लेती है कि जितना हम लोगों का सालाना बजट भी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कानून क्या है, NDBS नशा विरोधी जो कानून है, इस कानून में बहुत सारा सख्त कानून है। यहाँ जमानत मिलने का भी बहुत कठिनाई से बहुत दिक्कत से जमानत आज हमारे मालेगांव में ये देखा जाता है। बहुत सारी बार हमने सुना भी है पढ़ा भी है, कुत्ता बोली मिलती है मालेगांव में, मिलती है नहीं बहे, हाँ नहीं कह रहे जी मिलती है, ये हकीकत है, भले आप लोग माने ना माने, ये कुत्ता बोली जो होती है पहले नशे की शुरुआत, उसके बाद में सब बातें चलती है कि आगे चलकर वो फिर गांजा चरस अफीम हल्की एलडी वगैरह हो जाए। अगर इन बातों में हम फंस गए तो मान लो जिंदगी से उठ गए। सबसे पहले हम लोगों को आपको हम ज्यादातर बताएंगे कि आप इन सब बातों से अलग रहे। हमारे पीछे ना कोई करोड़पति बाप है, ना करोड़पति भाई बहन है, ना हमें बचाने वाला कोई ऐसा सब कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम बिल्कुल मिडिल क्लास के लोग हैं, ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। और अगर हम ऐसी आदतों में फंस गए तो यहाँ पर बहुत 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 कठिनाई है। एक बार अगर आप पर पाबंदी है नशीली चीजों का, कोई भी व्यवहार करने का, खुद इस्तेमाल करने का, तो आपको इस देश में कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। आजकल आप जानते हैं कंप्यूटराइजेशन हो गया है, डिजिटल इंडिया हो गया है, हर पुलिस स्टेशन में जिसके अगेंस्ट जिसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट एजेंसी या कोई भी दाखिल किया गया गुनाह, तो उस गुनाह को कंप्यूटर में फिट किया जाता है, वो नेशन वाइज जो अपना सर्वर है वहाँ पर किया जाता है। किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर आप गए और आपके डिटेल्स वहाँ पे आपके अंदर ले जाते, सही नाम से नहीं छुपता, नाम तो हम बदल ले सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं, हुडिया बदल ले सकते हैं, लेकिन आपके अंगूठी आंखों के फेस और आँख वो भी वहाँ पर रजिस्टर किए गए। हिंदुस्तान के किसी भी शहर में आप गए, किसी भी पुलिस स्टेशन में आप पर दोबारा ऐसा कोई मौका अगर संकट आया तो इमीडिएटली उस आदमी की शिनाख्त हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं होगा कि एक बार थप्पा लग गया वो जिंदगी से। तो इसलिए हम आप सभी को यही दरख्वास्त करेंगे कि इन सब बातों से दूर रहें, जिसकी वजह से खुद की जिंदगी तो सुधरेगी, हमारे अपने अपनों की जिंदगी, हमारे घर की जिंदगी, हमारे माहौल समाज के माहौल सुधरेगा। और दूसरी बात, जब हम किसी यार आप लोगों को यही बता दूं कि जब आप मोटरसाइकिल पर निकलते हैं, 18 साल के पहले के लोग भी निकलते हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता है, 18 साल की उम्र के बाद अगर लाइसेंस है, ज़्यादातर लोगों के पास लाइसेंस तो होता ही नहीं है, लाइसेंस है ना है, जब आप गाड़ी लेकर निकलते हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल
धूम वन धूम टू धूम थ्री का हीरो समझते हैं और इस कदर रास्ते पर चलते हैं कि जैसे रास्ते पर मैं हूँ, मेरे से और कोई है ही नहीं। और फिर ऐसे वक्त क्या होता है, या तो हाथ पांव टूटते हैं या फिर किसी और को जख्मी करते हैं। इन सब बातों से ही यहाँ पर भी कानून आपको कड़ी से कड़ी सजा दे सकता है। हमारे देश में ये जो नियम बनाए गए, ये जो कानून बनाए गए, ये कानून इसीलिए है कि हम इस समाज में रहते हुए, रास्तों पर चलते हुए, घर में आते हुए या कॉलेज में आते हुए या कोई सर्विस करने हुए जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो निभाते हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता है हम सब अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं, टू व्हीलर मान लीजिए, छोटी सी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, हमारा स्पीड भी कम है, 40 के अंदर चल रहे हैं, बिल्कुल रास्ते से बाहर, रास्ते की उसी बाजू से चल रहे हैं जहाँ चलना है, लेफ्ट हैंड से चल रहे हैं, हमारी गाड़ी बिल्कुल स्लो चल रही है, पूरे कानून का जितने भी कानून है उनका हम पालन कर रहे हैं। लेकिन होता क्या कि सामने से कोई ऐसा धूम टू धूम थ्री वाला है या फिर ऐसा कोई उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, या कोई मोटर वाला बड़ी गाड़ी वाला आकर हमें ठोक, उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी गाड़ी छोड़ के उसके पीछे भागने रखते हैं या फिर उसको गाली देने रखते हैं। ये सब छोड़ के सबसे पहले हमें अपनी खुद की खुद का ख्याल रखना है, कहाँ तक वो है, कुछ लगा है, हमारी गाड़ी का क्या नुकसान है, ये देखना। उसी वक्त जिस गाड़ी ने हमें ठोकर मारी है वो जो भाग गया है उसका नंबर नोट कर लेना, बस सिर्फ उसका नंबर, अगर लिख सके तो लिख लीजिए, याद करना है तो याद कर लीजिए, लेकिन वो नंबर नोट कर। फिर अपने आप को संभालना है, अपनी जो दवा पानी है वो करना और पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करना। उस नंबर पर आपने कंप्लेंट कर दी, उसका नंबर वहाँ कंप्लेंट में लिखवा दिया तो वो देश के किसी भी कोने में हो उसको पकड़ कर कानून के सामने खड़ा कर दिया। इसके लिए ये भी डिजिटल इंडिया के वजह से ये भी होगा। तो हमें जो कानून है उनका तो बिल्कुल कानून की खराब चलना ही चलना है, लेकिन आप लोगों के पास आकर आप लोगों को ये बातें बताने की सबसे बड़ी वजह यह है, हर इंसान तक तो हम पहुँच नहीं सकते। अभी आपके घर में और भी लोग हैं, हर एक के पास नहीं जा सकते, हमारी आबादी भी इतनी है कि हर छोटे से छोटे इंसान तक भी हम पहुँच नहीं सकते। हालांकि कोशिश तो यही है कि हम हर इंसान तक पहुँचे, हर ग्राम पंचायत में गए हैं, महसूल में गए, स्कूलों में कॉलेज में जा रहे हैं, देहातों में जा रहे हैं। जब हम आपके सामने ये सब बातें बताएंगे तो आपको भी एक कानून का मालूम हो जाएगा, और आप अगर आपके घर में कोई दिक्कत आती है, अपने अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में कोई दिक्कत आती है तो आप उसको सच्ची सच्ची और उनकी राह दिखाएंगे, रास्ता बताएंगे। तो ये आप लोगों को भी इसमें शामिल करने के लिए आपके पास यहाँ आए हैं। अगर रोशनी चाहो तो तखलीक करो एक चिराग, रोशनी चाहो तो तखलीक करो कोई चिराग, यूं दुआओं से नहीं चांद निकलने वाला। तो ये जरूरी है कि हम खुद अपना चिराग ढूंढे, अपना रास्ता ढूंढे, कानून पर चले। आपको कोई दिक्कत अगर आई, कुछ भी कठिनाई आई तो यहाँ पर भाजपा विधि सेवा समिति है, आपको पैम्पलेट दिए गए हैं, उस पर नंबर दिए गए हैं। दोस्तों हालांकि क्या होता है, बहुत सारी बात अगर आप बोर होंगे तो बता दीजिए, मैं रुक जाऊंगा। बहुत सारी बात क्या होता है, जो कानून वगैरह जो आपको समझाने हम आए, अगर हम कानून की भाषा में बताए तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी आप लोगों को, वो बोर हो जाएंगे, इसलिए कुछ अलग अंदाज में आपको बताऊंगा। कभी कभी क्या, बहुत सारी बात हम हर हमेशा जिंदगी में ऐसा ही होता है कि सर से चादर बदन से कबा ले गई, जिंदगी हम फकीरों से क्या क्या ले गई, सर से चादर बदन से कबा ले गई, जिंदगी हम फकीरों से क्या क्या ले गई। मैं समुंदर में था एक चट्टान की तरह, रात एक मौज आई और बहा ले गई। बहुत सारी बार ऐसा ही होता है, हम अपने आप को समुद्र की चट्टान की तरह समझते हैं, लेकिन
कानून का या वक्त का एक छोटा सा छक्का आए, एक छोटी सी भी लहर आए, हम कहीं के नहीं रहते, हम नहीं करते। इसलिए जो आपके हक है उनका तो इस्तेमाल जरूर कीजिए, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी आप बिल्कुल जिम्मेदारियों को निभाएं। आप सब लोगों ने हमें सुन लिया, आपके सामने आकर बोलने का मौका दिया और आपने हम यहाँ पर कुछ वगैरह देकर नवाजा भी, इसलिए हम आप सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जाते जाते आप लोगों से एक बात आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए खास, वैसे हम जैसे बुजुर्गों के लिए भी काफ़ी है लेकिन हमारी उम्र भी ज़्यादा है, जिंदगी कम है, इसलिए आप लोगों को कहा, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, आप सबके लिए अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपना खुद का अलग इतिहास पैदा कर, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपना खुद का अलग इतिहास पैदा कर। मांगने से जमीन कभी मिलती नहीं दोस्त, मांगने से जमीन कभी मिलती नहीं दोस्त, अपने हर कदम में एक विश्वास पैदा कर। धन्यवाद सर। मैं हमारे महाविद्यालय और महाविद्यालय के सभी छात्रों की ओर से आपको बहुत कहूंगा, क्योंकि आपने आज भी दुनिया की पुरानी चीजें किस तरह से आज के या आने वाले हर इंसान में एक हर इंसान को प्रेरित करती है, यह पुरानी चीजें उनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से कई बातें उनके बारे में हमें कही। उसमें से हमारी न्याय व्यवस्था भी हमारी पुरानी पूंजी की तरह है और यह पुरानी पूंजी आज भी किस तरह से अपने आप को मजबूत रखे हुए है, उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि है चांद अभी रोशन नानी की कहानी से कमरे को हंसी जैसे गुलदान बनाते हैं। तो इस तरह की बात आपने कही और इसमें हम लोगों को एक सुझाव भी दिया है कि इस तरह से दौड़िएगा जोश में कि एक शिकन भी ना आने पाए होश में। तो इस तरह से हमें हमारी जिंदगी की राहों पर चलना है। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें मार्गदर्शन किया। अभी मैं न्यायमूर्ति डीवाई गौड़ जी से विनती करूंगा कि वह अपने विचारों से हमें परिचित कराए। न्यायमूर्ति गौड़ जी। सलाम अलैकुम। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों से मैं अभी हिंदी में ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेरा पूरा एजुकेशन मराठी हुआ है, वैसे मैं कोल्हापुर से हूँ, हिंदी भी बोला नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। समझ लीजिए आप अभी बहुत सारे लोगों ने हिंदी में बोला, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अभी खास करके जो शोर क्या बोलते हैं उसको, शेरो शायरी, बहुत अच्छी। उसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं कि समझ में नहीं आता उसका मतलब, लेकिन कुछ अच्छा है ऐसा इतना तो समझ में आता है। ट्राई करता हूँ। अभी पाटिल सर ने बोला, अभी दो मिनट पहले पाटिल सर ने बोला कि हम उम्र से बड़े बच्चे तो है नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा उन्हें कि अभी भी उम्र बड़ी है लेकिन दिल तो बच्चा है। अभी सब कायदे कानून की बात चल रही थी तो सब लोगों के चेहरे बहुत गंभीर हो रहे थे, वैसा ऐसे लग रहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोर्ट ही चालू है, सब एकदम गंभीर। कौन सा क्यों सी केस चल रही है और क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा था मुझे। एकदम रिलैक्स कर दिया, टेम्परेचर गुड कर दिया पाटिल साहब ने। अभी कौन सा भी खेल देखिए आप, ज्यादा वक्त लूंगा नहीं मैं, बराबर 5 मिनट में खत्म करूंगा, ये मेरी गारंटी है। कैसे रहता है, मैं भी स्कूल में कॉलेज में रहता था तो ऐसे ही गेस्ट आते थे तो इतना ही ख्याल रहता था कि कब प्रोग्राम खत्म होता है और घर जाना है, और टीचर का ध्यान रहता था तो तालियां तो बजानी ही पड़ती। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप भी मेरे लिए तालियां एक दो और बजाएंगे। तो मुझे लगता है अभी वर्ल्ड कप भी 2020 के मैचेस शुरू है, वर्ल्ड कप देख रहे हैं सब देखते हैं, खेलते हैं, नहीं खेलते हैं वो अभी क्या है
खेलने का ग्राउंड पे जाके खेलने में मजा नहीं रहा, आपको खेलना है तो मोबाइल पे ही खेलना है, उसमें ज्यादा मजा है। तो देखिए कौन सा भी खेल खेले तो उसके कुछ रूल्स रहते हैं, बराबर है, उसी के मुताबिक खेलना है उसको। अभी कितना भी बॉलर अच्छा रहा और समझो विकेट गिरी, लेकिन उसने नो बॉल डाला है तो क्या अंपायर क्या डिसीजन देगा, उसे नो आउट करा देगा, बराबर है। तो हमें लगता है कि इतना अच्छी गेंद उसने डाली फिर भी उसको नहीं आउट दे रहे, लेकिन क्या रूल क्या है, नो बॉल डाला है तो उसको आउट नहीं दिया जाएगा, बराबर है। उसी तरह से जैसे अंपायर रहता है वैसे कोर्ट में भी जज का रोल वही रहता है, जस्ट लाइक अंपायर, ठीक है। ये समझ लीजिए, पहले आपको खेलना है, आपको खेलना है मतलब क्या, दो पार्टी आएंगे जिसमें झगड़ा है वो आएंगे। अभी समझो एग्जाम्पल में देता हूँ, अभी समझो यहाँ अभी एक प्रोग्राम चालू है, दो बच्चों में झगड़ा हो गया, हाँ एक दूसरे को मारा, अब ये इसके बारे में पुलिस कंप्लेंट होगी और कोर्ट में आ रहे, तो कोर्ट में आके क्या गवाही देंगे, दूसरे उसके फ्रेंड्स है वो गवाही देंगे। अभी जज तो यहाँ रहते नहीं, बराबर है, जब झगड़ा था वहाँ तो जज कोई था नहीं, और जज रहा तो भी उसे कुछ वो डिसीजन नहीं दे सकता यदि उसने देखा है तो भी। तो उधर क्या है, जज क्या करता है, सबकी गवाही सुनता है और उसके हिसाब से उसको जजमेंट देना रहता है। हालांकि उसे मारा दिखाई देता है, सिर में लगाए ये भी दिखता है, लेकिन क्या है प्रूव करना पड़ता है कि इसने इसको मारा है ये करके। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जहाँ के जो उससे जो घटना हुई उसके ऊपर जो कुछ विश्लेषित थे उनको आके कोर्ट में बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने देखा है, कुछ ने देखा है, ये सब गवाही देख कर कोर्ट डिसीजन देगा। अभी समझो उसके फ्रेंड सब है और उन्होंने मैटर सेटल कर दिया कि गवाही होने के लिए 4-5 साल लगते हैं केस चलने के लिए, तब तक उसको आपस में सुलह हो जाती है, सेटल हो जाता है। और वहाँ के हम देखते हैं और क्या बोलते हैं, नहीं साहब मुझे मारा स्कूल में, लेकिन पीछे से मारा था, मुझे मालूम नहीं किसने मारा, अभी सिर में लगाए ये भी हम देखते हैं क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट रहते हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट रहती है, सिर में लगाए, लेकिन अभी जिसने मार खाई वही बोल रहा है कि मारा किसने, देखा नहीं, तो जज को तो दुखने वाला है नहीं, बराबर है ना, क्योंकि मार खाने वाले को नहीं दुख रहा है तो उसको भी दुखने वाला है। तो ऐसा रहता है तो कुछ रूल्स रहते हैं, कोर्ट पे क्या रहता है कि किसी ने बोला ही नहीं तो सजा कैसे देगा कोर्ट, बराबर है। उसी तरह से कौन सा भी केस है, तो इसके लिए क्या मैं बोलना चाहता हूँ, कहने का मतलब यही है कि रूल्स समझ जाइए प्रोसीजर में। अभी मैडम ने बोला 2 मिनट पहले कि ये सब पूरा इंडिया छोड़ दो, अभी पूरा वर्ल्ड चल रहा है रूल्स बनने के लिए चल रहा है, हर एक वर्ल्ड कौन सी भी कंट्री लीजिए, कौन सा भी स्टेट लीजिए, उसके कुछ कायदे कानून बने उसी के हिसाब से सबको चलना है, कायदे में रहते चलिए तो फायदे में रहते हैं, ऐसा करते हैं। तो क्या करना है, फायदे में रहने के लिए कायदा मालूम होना चाहिए। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग रहते हैं कि अभी इनकम बहुत सारा कमाई करते हैं, लेकिन उसका इनकम टैक्स कम आने के लिए वो सीए के पास जाते हैं, उसी तरफ से अकाउंट दिखाते हैं और इसकी वजह से क्या करते हैं वो इनकम टैक्स कम भरते हैं, बराबर है। तो क्या कर रहे हैं लोग, कायदे में बिठा के वो इनकम टैक्स कम भर रहे हैं, तो कोई एक्शन लेगा भी लेना भी चाहेगा क्योंकि वो कायदे से बता रहा है कि कैसे कैसे उसने वो पैसे खर्चा किया, कैसे उसके पास आया कैसा खर्चा हुआ, तो कायदे में रह रहा है। लेकिन अभी समझो मेरा कौन क्या करता है, देखता हूँ मैं ऐसा करके अभी पैसा घर में रख दिया आपने 20-30 लाख को रेट पर दी, तो आपको ही पता नहीं कहाँ से पैसे आ गए, बराबर है, आप नहीं बता सकेंगे तो क्या करेंगे। तो ऐसा सब इसके लिए क्या है, कानून मालूम होना चाहिए, कानून मालूम होने के बगैर तो कुछ होने वाला है नहीं। अब ये प्रोग्राम रखने का क्या उद्देश्य क्या है ये समझ लीजिए, पहले कोर्ट क्यों आपके सामने आया है, जजेस क्यों आए, वकील साहब क्यों आए आपके यहाँ पर, क्यों आए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से यहाँ निचली अदालत तक क्या दिखाई दे रहा है कोर्टों में कि लोगों को लॉ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, कायदा क्या है यही मालूम नहीं लोगों को, और फिर क्या बोलते लोग कि न्याय नहीं है, अभी दुनिया में न्याय नहीं रहा ऐसा लोगों को लगता है, अरे न्याय तो है लेकिन रूल्स नहीं मालूम, बराबर है। कभी देखा है कि क्रिकेट मैच में क्या अंपायर बॉलर को बोलता है, अरे तू ये वो सिक्स मारा, 3 बॉल 6 मारा, ऐसे बॉल बता रहे, कभी ये लॉक था लॉक डालेगा ना तू तो बराबर आउट हो जाएगा, ऐसा कोई अंपायर ने देखा है क्या बताते हुए, वैसे जज कोई बताता नहीं कि इस तरह से विडंस ला तो करके ये पुरावाना होगा, अंपायर का खाली काम क्या है जो विडंस आ रहा है वो देखना है, वो डिसीजन देना है, बस इतना ही। लेकिन लोगों को क्या लगता है, जज खाली बैठते रहते सब दिखते हैं लेकिन जितनी न्याय नहीं करते, ऐसा रहता है। अंपायर का काम जो है वही रोल जज का भी है सेम, तो कायदा मालूम होना चाहिए। अब इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ओवर इंडिया में 42 डेज का ये प्रोग्राम चालू है और हर एक गाँव गाँव में जाके हमारे प्रोग्राम दे रहे हैं ताकि लोगों को लीगल अवेयरनेस करने का ट्राई कर रहे हैं। मैं 2 कायदों के बारे में बताऊंगा और उसके बाद खत्म करता हूँ। एक कायदा है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, एक कायदा है। अभी ये कायदा क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं बता रहा हूँ। ये कायदा जो है जो 18 साल के नीचे जो कम उम्र के जो बच्चे हैं लड़के जो कोई है 18 साल से कम उनके लिए एक कायदा है। एक क्या कायदा है, इसको बोलते हैं जेली एक्ट,
जेजी है, एक जब तक आप पुलिस स्टेशन में कभी कोई गया नहीं होगा, जब तक आप पुलिस से कभी आपकी मुलाकात नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता, तब तक आपको समझ में नहीं आता कि लॉ मालूम होना कितना जरूरी है, बराबर है कि नहीं? या कोई खामा का गाड़ी सीधे सीधे चला रहा है लेकिन कोई पुलिस डांटता है तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? बराबर है, लेकिन गुस्सा आता है तो हाथ से नहीं चलाने का, वो जवाब उसको हाथ से नहीं देना है, वो जो राइटिंग करना है वो करके देना चाहिए, क्योंकि आपने उसको मारा तो फिर क्या आपके खिलाफ भी केस बनी, ये समझ लिया? कायदे को हाथ में नहीं लेने का है, कायदे को क्या करना है, हाथ से लिखने का है, हाथ में नहीं लेने, समझ लिए? तो कायदा क्या है उन्हें मालूम होना चाहिए। तो अभी जे जे एक्ट मैंने बोला ना, वो एक्ट क्या है, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे लड़के लड़के हैं उनके बारे में है, तो वो कायदा क्या है? यदि समझो 18 साल से कम उम्र के बच्चे ने कोई भी जानबूझकर समझो या गलती से भी कोई गुनाह किया तो उसके लिए क्या रहता है, गुनाह गुनाह ही रहता है, लेकिन क्या है कायदे में क्या लिखा हुआ है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मालूम नहीं रहता उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो क्या होता है जोश में रहते हैं। अभी बोला पाटिल साहब ने तो धूम 1-2, वैसे उसी तरह से वो धूम दिमाग में रहती है, और सबसे ज्यादा क्या रहता है कि आप जिसके साथ में रहते हैं उसका प्रभाव ज्यादा रहता है आप पर, अपना फ्रेंड सर्कल पर्टिकुलरली, तो गलती हो जाती है, तो गलती हुई तो क्या ये भी देखिए समझ लीजिए कि अभी समझो 18 साल के कम उम्र के बच्चे ने यदि समझो किसी का पॉकेट चुराया है, पैसे मारा है, तो उसको क्या है गुनाह किया है उसने, लेकिन क्या है पुलिस ने उसे पकड़ा, तो पुलिस को क्या है पहला करना है कि पुलिस यूनिफॉर्म पहन के उसे अरेस्ट नहीं कर सकती है, पहले समझ लीजिए। बच्चा घर गया तो पूरी डायरेक्ट यूनिफॉर्म पहन के उसके घर आ नहीं सकता, उसको विदाउट यूनिफॉर्म ही आना है, ये पहले समझ लीजिए। उसके बाद में पुलिस ने उसको पकड़ा, समझो 12 साल का बच्चा है, पुलिस ने पकड़ा तो उसे पुलिस स्टेशन लेके जा सकता है वो, लेकिन क्या है पुलिस स्टेशन लेके जाने के बाद उसे वो लॉकअप में नहीं रख सकता, उसी की तरह उसे जेल में भी नहीं डाला जा सकता, ये समझ लीजिए। जज भी नहीं उसे अंदर ला सकता, ये समझिए, उसको जेल वगैरह कुछ नहीं होगी जब तक उसके 18 साल नहीं होते पूरे, तब तक उसको क्या है बोलते हो फ्री है, फ्री पास बोलते हैं ना, डिस्काउंट ऑफर रहते हैं, अभी सेल चल रहे हैं उसी तरह से, डिस्काउंट है किस लिए डिस्काउंट है, बच्चों के लिए ऑफर है, क्योंकि अभी आपके आपकी समझ नहीं आपको कि क्या गलत है क्या सही है, इसलिए तो उसको जेल में नहीं डाल सकते, लॉकअप में नहीं डाल सकते बच्चों को, और उसके लिए क्या है बच्चों के लिए स्पेशल कोर्ट किया है, ये समझ लीजिए। अभी समझो आपका 16 साल के बच्चे ने गुनाह किया है तो उसको ये मालेगांव के कोर्ट में नहीं लाएंगे, ये समझ लीजिए, उसको क्या करेंगे नासिक का कोर्ट है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही कोर्ट रहता है, उसको जेजे बोर्ड बोलते हैं, जोइना जस्टिस बोर्ड, उसके सामने लेके जाते हैं, नासिक पूरे जिले के लिए एक ही कोर्ट रहता है बच्चों के लिए खास करके, समझो उसने मर्डर भी कर लिया है, मर्डर भी किया है उसके लिए भी क्या करना है उसे उधर ही लेके जाते हैं नासिक के कोर्ट में ही, इधर नहीं उसको नोटिस किया जा सकता, और उधर जाके उसको क्या करते हैं जोइना जस्टिस बोर्ड रहता है उसके सामने पेश किया जाता है, और उसे गुनाह पहुँचा है बोलते हैं कि उसको जमानत दी जाती है, और एक कोर्ट में जैसी केस चलती है वैसी कोर्ट उधर में भी चलती है केस भी, लेकिन उसको सजा नहीं दी जाती, उसको सजा क्या दी जाती है समझो प्रूव हो गया है कि उसने चोरी की थी तो सजा क्या दी जाती है उसको, उसके वार्निंग दी जाती है, वहाँ भी जज ही रहते उसको वार्निंग दी जाती है कि भाई ऐसा मत करना, यदि समझो वार्निंग देने के लायक नहीं है बच्चा, बहुत सारे उसने उसी प्रकार के गुनाह किए तो उसको क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन होम रहते, आपने देखा होगा ऑब्जर्वेशन होम तो बच्चों के लिए खास करके रखे रहते हैं, वहाँ डाला जाता है 2 साल के लिए 1 साल के लिए, वो देख के उसके बच्चे का प्रोग्रेस देख के उसको वहाँ रखा जाता है, और उसके बाद में उसको वापस भेजा जा सकता है। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो कभी बच्चों के बारे में आपके पड़ोस में किसी के आया तो अभी आप इतने बड़े हैं तो आपने इतना भी बोल दिया ना पुलिस सामने आया है तो जेजे बोर्ड है जेजे बी के पास लेके जाना है, इतना भी बोला ना आपने तो उसको समझ में आएगा कि ये मैं इसको मालूम है, सब ज़्यादा नहीं कर सकते आप, जब तक आपने को मालूम नहीं रहता, देखो अभी धूम की तरह से सब गाड़ी चलाते हैं लेकिन गाड़ी बंद पड़ती है तो सब वो क्या होता है पसीना आ जाता है, और गैरेज में जाते हैं तो गैरेज में जाकर तो समझ में आता है कि इसको मालूम है कि नहीं गाड़ी में से कुछ, अभी मालूम नहीं तो वो बोल देता है ऐसा ऐसा बड़ा प्रॉब्लम आएगा 3,000 रुपये खर्चा आएगा, और हमें समझ में ही नहीं आता गाड़ी का कुछ मालूम ही नहीं रहता तो हम बोलते क्या करते 3,000 में 2,500 में कर 2,000 में कर ऐसा बार्गेनिंग करके हमें लगता है कि 1,000 हमने बचा लिया है, लेकिन एक्चुअली उसको छोटा सा प्रॉब्लम रहता है लेकिन हमारा क्या है अवेयरनेस नहीं उसमें, बराबर है, तो हर एक चीज में थोड़ा थोड़ा ये अवेयरनेस आ गया ना तो कोई हमें फंसाएगा नहीं, उसी तरह से लॉ का भी थोड़ा सा अवेयरनेस होगा, हम क्या आपको पूरा वकील नहीं करने के लिए यहाँ आए कि नहीं वकील ही बनना है आपको, ऐसा नहीं थोड़ा सा अवेयरनेस। अभी देखो माँ बहन कभी एक आध दिन गाँव गई किसी काम से और चाय पीने की आदत रहती है तो सुबह क्या रहता है चाय कैसे बनाओ, अभी तक आज तक तो बनाए नहीं, एक बार भी कभी चाय बना के देखी होती माँ होती
तो भी वो चाहे पता नहीं कि अवेयरनेस होता तो क्या अपना काम हो जाता ना, लेकिन क्या माँ जाने के बगैर तो पहले समझ में ही नहीं आता कि चाय की इतनी चाय सीखना इतना इम्पोर्टेंस है। तो उसी तरह से कायदा अलग अलग तरीके के कायदे बताने जैसे बहुत है, लेकिन क्या खाने के लिए जैसा पेट एक लिमिट रहता है खाने का, उसी तरह से क्या सुनने का भी एक लिमिट रहता है। तो ज़्यादा मैं खिलाऊंगा नहीं, आपने मेरे दो शख्स इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, हम सभी आपको विश्वास दिलाते हैं कि वीराना सजाती है महफिल ये परिंदों की, वीराना सजाती ये महफिल ये परिंदों की, खामोश मकानों को इंसान बनाते हैं। मैं न्यायमूर्ति पुरुलकर जी से विनती करूंगा कि वह अपनी बात हम तक पहुंचाए। न्यायमूर्ति पुरुलकर जी, धन्यवाद देतो की त्यांनी आपल्याला खूप चांगल्या रीतीने त्यांचे जे काय भावना होत्या सर्व आपल्यापर्यंत पोहोचवल्या। इव्हन जे सूत्रसंचालन करतात त्यांची शेरोशायरी एवढी चांगली आहे की प्रत्येक भाषणानंतर ते आपल्याला शेरोशायरीद्वारे काहीतरी चांगलं आणि कमी शब्दात जास्ती असं ज्ञान देत आहेत। आजचा जो आपला टाइम इंडिया अंतर्गत जो कार्यक्रम आहे तो घेण्यासाठी आपलं कॉलेज निवडलं आहे आणि आपला जो विषय आहे त्याला अनुसरून माझ्यासमोरचा जो ऑडियन्स आहे हा खूपच एक प्रॉपर आपण ज्याला म्हणतो योग्य असा आहे, कारण आजचा जो विषय आहे तो असा आहे सर्व्हिसेस टू विक्टिम्स ऑफ ड्रग अब्यूज इरेडिगेशन ऑफ ड्रग्स मिनान्स स्कीम। हे जो ॲक्ट आहे हा रिलेटिंग टू ड्रग्स जे आहे आणि त्यापासून असणारे धोके त्याच्याशी रिलेटेड असा टॉपिक असा आहे। आणि मला खरंच चांगलं वाटतं की आज इथे फक्त विद्यार्थी नाही तर शिक्षकही आहेत जे विद्यार्थ्यांना घडवण्यात खूप मोलाचं काम करतात। मित्रांनो, आपण सगळ्यांनी बघितलं की उद्याचा जो काही आपला देश असेल त्या देशाचे जर नागरिक चांगले असतील तर देश पुढे जातो आणि उद्याच्या देशाचे नागरिक आजचा विद्यार्थी जो आहे तोच असतो आणि त्याला घडवणारे हे आपले शिक्षक असतात जे पिढ्यानपिढ्या दोन तीन तरी पिढ्या घडवतातच त्यांच्या पूर्ण टेन्युअरमध्ये। त्यामुळं ही स्कीम आपल्यापर्यंत पोचवणं त्याचं उद्दिष्ट आपल्याला सांगणं हे अत्यंत महत्त्वाचं मौलिक असं आहे, कारण याच्यातले धोके आपण जे आहेत ते जाणून घेतले तर आपण त्याच्यापासून जरा लांब राहू शकतो। किंबहुना आपण जे लोक या क्षेत्रात आहेत त्यांना आपल्या घरात जर कोणी असेल, आपला मित्र असेल, आपलं नातेवाईक कोणी असेल तर त्यांना आपण मदत करू शकतो। म्हणजे आपण जरी नसलो तरी आपण या लोकांना मदत करू शकतो आणि आपण या लोकांना कायद्याचं ज्ञान देऊ शकतो। तर आता आपण सगळ्यांना मराठीत सांगितलं की कुठला बोली मालेगावमध्ये फेमस आहे, सगळ्यांनी काही नाव तरी ऐकलं असेल तर मित्रांनी धीर मिळते। त्यामुळं
आणि कॉलेजच्या गोल सॉफ्ट टार्गेट काय आहे तर लहान मुलं किंवा जे मुलं तिथे थोडेफार काही आम्ही जातो तर बरी करू शकतात. त्यामुळं सगळ्यात जास्त धोका हा यंग जनरेशनला आहे. त्यामुळं आपण या गोष्टींपासून पहिल्यांदा ही फुकट दिली जाते, त्याच्यानंतर तुम्हाला काहीतरी सांगून प्रलोभन देऊन असं बळी पाडलं जातं. त्यामुळं यापासून जेवढं लांब राहता येईल तेवढं लांब राहावं. शिक्षक वर्ग पण आहे, त्या शिक्षक वर्गाने पण आपल्या आजूबाजूचा परिसर त्यामध्ये कोणत्या ॲक्टिव्हिटीज असतात इकडे जरी लक्ष दिलं तरी या गोष्टीपासून आपण बऱ्यापैकी लांब राहू शकतो. दुसरी गोष्ट अशी आहे की ही एकदा जर सवय लागली तर याच्यापासून सुटकारा मिळणं तसं लागण्यासाठी आहे तेवढी सुटकारा मिळायला तेवढीच अवघड आहे. त्यामुळं पण असंही नाही की आजचा जो कार्यक्रम आहे या कार्यक्रमात आपल्याला या विषयापासून सुटकेसाठी जे काही करता येईल त्याही स्कीमची अवेअरनेस करायची आहे. त्यामुळं आपण प्रॉपर ऑडियन्स आहात की ज्यांना सांगून आपण अशा लोकांपर्यंत पोचू शकतो की जी लोकं सध्या ड्रग्स ॲडिक्ट असतील किंवा काही घेत असतील तर त्यांना आपण यापासून व्यसनमुक्त करू शकतो. याच्यासाठी आपण आता जसं आधीच्या ऑप्शननी सांगितलं की लिगल एडतर्फे आपण काही करू शकतो तर आपल्याला जर मी मगाशी विचारलं कॉलेजची स्ट्रेंथ खूप चांगली आहे. आपल्या कॉलेजमध्ये NCC पण आहे, त्यानंतर मगाशी बोर्डावरती पण वाचायला मिळालं मला इथे अर्न अँड लर्न ही पण स्कीम फर्स्ट चालू होते. तर या सगळ्यातनं आपण अजून एक चांगली स्कीम आहे आमच्याकडे ती आहे पॅरालिगल व्हॉलेंटियर्स जिथे लिगल एड क्लिनिक्स पण चालतात. तर तुम्ही तुमच्या कॉलेजमध्ये लिगल एड क्लिनिक उघडू शकता की ज्याद्वारे लोकांना ज्ञान कायद्याचं ज्ञान जे जुजबी आहे ते देऊ शकता. कोणाला काही मदत हवी असली असती करू शकता. त्यानंतर पॅरालिगल व्हॉलेंटियर्स म्हणून तुम्ही जॉईन होऊ शकता. म्हणजे दोन यू आर इंटरेस्टेड इन लॉ फॅकल्टीज दे कॅन जॉईन अस सो दॅट दे विल बी अवेअर ऑफ व्हॉट स्कीम्स व्हॉट इज दी प्रोग्रॅम्स व्हॉट इज द बेसिक लॉज विच दे आर गोइंग टू लर्न इन फ्युचर. या सगळ्या गोष्टी आहेत तर या सगळ्या आपल्याला करता येऊ शकतात. त्याच्याशिवाय आपल्याला जर ॲडिक्ट झालं असेल कोणी तर त्यासाठी व्हेरियस NGOs आहेत. त्याच्यानंतर आपल्याकडे असे बऱ्याच गव्हर्नमेंटच्या स्कीम आहेत की ज्याद्वारे आपण या लोकांना रिहॅबिलिटेशन सेंटरमध्ये घेऊन त्यांच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करू शकतो. तर हे सगळं सांगण्याचं आपल्याला काय उद्दिष्ट असं आपल्याला बऱ्याच जणांना प्रश्न पडला असेल. खरोखर या शेवटचा दिवस आहे, एखाद दुसरं लेक्चर आपलं असंच ऑफ मिळते या आनंदात आपण असू पण कधी संपतोय हेही चाललेलं असेल म्हणा. तर बऱ्याच एकाने विचारलं की जायची गडबड आहे, नाही 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 आमच्या वेळेस असे विचारायचे आम्ही पण नाही नाही म्हणायचो तर कारण असेल एक पिरियड अजून कमी होतो. तसं काही असेल तरी चालेल पण आपण ही गोष्ट समजून घ्या कारण आपण आपल्या जीवनाशी आणि आपल्याशी रिलेटेड जे कोणी असतील नातेवाईक असेल मित्र असतील त्याला आपण मदत करू शकतो. या गोष्टी जरी आपण केल्या तरी आजच्या हा कार्यक्रम घेण्यामागचा उद्देश जो आहे तो सफल झाला असं होईल. तर आपण याच्या अनुषंगाने आपण बरेच मूवीज पण बघितले असतील बघत असाल. तर एक आहे कुर्ता पंजाबी बघितला असेल, बघितला नसेल तर बघा जरूर. त्याच्यानंतर गो गो गॉन एक आहे, जे बऱ्याच मूवी आहेत की ज्या जे असं नाही आहे की कोणीच त्याच्याबद्दल काही करत नाही आहे तर ड्रग्स ॲडिक्ट जे आहेत त्याचे दुष्परिणाम त्याच्यामुळे होणारे बाकीचे कॉन्सिक्वेन्सेस आपण फक्त आपल्या पुरतं नाही होत तर पूर्ण समाज त्याच्यामुळे बिघडतो, आपलं घरदार उद्ध्वस्त होतं. त्यामुळे वेळेत आपण या गोष्टींचा धोका उठून या गोष्टीपासून लांब राहिलं पाहिजे, आपल्या मित्रांना आपल्या परिवारजनांना नाम ठेवलं पाहिजे. या सगळ्यांचं आपण लिगल लिटरसी कॅम्प मार्फत हे सगळं राबवतो आहे. यासाठी आपण आपल्या स्तरावरनं शिक्षकांनी जे विद्यार्थी आहात त्यांच्यामध्ये अवेअरनेस करावा. आपण जे आहात त्यांना मित्रांना आपले ज्ञान जाऊ शकतात असं वाटतं त्यांच्यामध्ये ज्ञान ठेवा. एवढे मी आज आपल्या आवाजापासून आणि म्हणतो आप सभी यहाँ आए और आपके द्वारा भारत सरकार के विचारों को हम तक पहुंचाया इसके लिए हम
हमेशा आपसे बात करने की कोशिश में रहेंगे, हमेशा जैसे भी संभव होता है, जैसे भी वक्त मिलता है, वैसे भी हम आपको यहाँ पर बुलाने की कोशिश में रहेंगे। क्योंकि देखिए, एक बार रिश्ता बन जाता है तो उस रिश्ते को बुलाना बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे बेताब रहता है, बेताब रहता है मेरा दिल तुमसे मिलने के लिए, बेताब रहता है मेरा दिल तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि तन्हाई में हिज्र का हर पल नश्तर बनता है। तो इस तरह से तन्हाई में नहीं रहना है, हमें बेताब भी नहीं रहना है, और इस बेताबी को, इस तन्हाई को समय समय पर हम दूर करते रहेंगे, आपको बुलाकर आपसे बातें करते रहेंगे, आपके विचारों से प्रेरित होते रहेंगे जैसे जैसे अवसर मिलेगा। अभी मैं अपनी बात कहने के लिए हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री शिवानंद हाले जी से विनती करूंगा कि वह आए और अपनी बात हम तक पहुँचाए। विधी सेवा समितीचे सगळी टीम, या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर शाकिर, अधिष्ठाता डॉक्टर आरिफ, तसेच महाविद्यालयाचे सर्व प्राध्यापक, बंधू, भगिनी आणि विद्यार्थी मित्र, खरोखर आज न्यायालयाने हा जो कार्यक्रम घेतला समाजामध्ये, कारण हा आपला जो महाविद्यालय मराठीच्या एरियामध्ये आहे आणि या मराठीच्या मुलांमध्ये किंवा लोकांमध्ये कायद्याबाबत अजिबात जागरूकता नाही, त्याची वस्तुस्थिती आहे, आणि त्यामुळे अनेक लोक त्यांना फसवत असतात। ती फसवेगिरी होऊ नये म्हणून अतिशय छान पद्धतीने न्यायाधीश साहेबांनी हा कार्यक्रमचं आयोजन केलं, बार काउन्सिलने आयोजन केलं, त्यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो। महाविद्यालयाने आम्ही त्यांना सगळ्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, परंतु माझं एक म्हणणं होतं की हा कार्यक्रम अधिक मोठ्या स्वरूपात व्हायला पाहिजे, कारण विद्यार्थी आमच्याकडे 1500 विद्यार्थी येत आहेत, एवढ्या विद्यार्थ्यांसाठी जर ही जागरूकता झाली असेल तर फार चांगलं असेल। पण झालं काय, आज कॉलेजचा शेवटचा दिवस आहे, जुने कॉलेज कालच बंद झालेलं आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आज जरा कमी प्रमाणात दिसते। वस्तुस्थिती सांगतो, आज शिंदे साहेबांनी जी काही माहिती दिली की जे लोक गरीब असतील, ज्यांना वकील देऊ शकत नाही किंवा वकिलांची फी देऊ शकत नाही, विधी महासंघाचे वतीने, विधी सेवा संघाचे वतीने त्यांना एक अर्ज दिला तर वकील सुद्धा मिळू शकतो, सर्व साई मिळू शकतो। ते आपल्या बऱ्याचशे लोकांना माहिती होतं, ते त्यांनाच काही मला माहिती होतं खर्चाला राहत असतील, ही वस्तुस्थिती आहे आणि चांगली गोष्ट आहे। जे समाजापर्यंत पोहोचवा, तुम्ही तुमच्या लोकांमध्ये हे पोहोचवा, कारण अतिशय साक्षरता फार कमी आहे आपली आणि लोकांची फसवेगिरी फार होत असते, ती व्हायला नको म्हणून हे लोकांपर्यंत पोहोचवा, म्हणजे या गोष्टी समाजापर्यंत पोहोचवा तुम्ही, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, वाणी साहेबांनी लेडीजसाठी जो ऍक्ट कायदा आहे त्या कायद्याबाबत त्यांनी माहिती दिली, अतिशय छान माहिती दिली त्यांनी, व्यवस्थित माहिती दिली, कारण लेडीजच्या जवळ कायदा आमच्या माणसांच्या बरोबर एकही कायदा नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। अत्याच्या भागात आम्हाला शांतच बसावं लागते, याच्यात काही बदल होत नाही। तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपले बार काउन्सिलचे अध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांनी तर मात्र सगळी शेरशायरी सुरू केली, ज्या काही गोष्टी आहेत सगळ्या शेरशायरी त्यांनी वातावरण बदल करून टाकल्या, अतिशय छान पद्धती त्यांनी मार्गदर्शन केलं। म्हणजे त्यांनी जे सांगितलं की ड्रग्स
ड्रग्सच्या कसे आपल्याला नुकसान होऊ शकतं, काय काय होऊ शकतं या बाबतीत त्यांनी बरीचशी माहिती दिली, अतिशय छान माहिती पुरवून दिली. त्याच्यानंतर आपले कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे गौड साहेब आणि कुरणकर साहेब यांनी विटनेस, तुम्ही जरी काही केस केली तरी विटनेस फार महत्वाचं असतो, आणि तो विटनेस जर निघून फुटला फार क्रॉस पाहिला तो कोण फुटलं ते आपल्याला काही नवीन नाही गेलं, तर विटनेस हा महत्वाचा असतो. आपल्याला असं वाटतं की आपल्या कायदा आपण सगळ्या गोष्टी केल्या तरी आपला निकाल काही आपल्याबद्दल लागत नाही, याला कारणच ते तुम्हाला जे काही विटनेस दिलेले आहे ते विटनेस जर फुटले तर तुम्ही काहीच करू शकत नाही. न्यायाधीश काय नाही, जसं आम्ही आहे प्राध्यापकांनी येऊन काही सांगितलं ते आम्हाला हो म्हणावं लागतं, विद्यार्थ्यांनी येऊन सांगितलं ते आम्हाला होच म्हणावं लागतं, तसं त्यांचं पण आहे, काहीही करू शकत नाही. त्यामुळे समोर आलेली केस ही फक्त दोघांच्या बाजूचं म्हणणं ऐकून घेऊन आणि त्याचं उत्तर देणं हे त्यांचं काम असतं. आणि आपलं वाटतं एक वकील साहेबांनी आपली बाजू काही मांडली नाही, तसं नाही. तुमचे महत्त्वाचे तर विटनेस महत्त्वाचे, ते जर कुठून गेलं तुम्ही काही करू शकता. तसंच एक महत्त्वाची गोष्ट आहे ते 18 वर्षाच्या आतील मुलाच्या बाबतीत, की जे मुलं आजसुद्धा आपल्याकडे काही 18 मुलं आहेत ज्युनियरला आहेत, या मुलांच्या बाबतीत कायदा काय कानून काय हे बऱ्याच लोकांना माहिती आहे, त्यांना अटक होत नाही हेही बऱ्याच लोकांना माहिती, परंतु अटक होते म्हणजे आपण काही करायचं समजू नका, नाही तर मुलं म्हणतील की बरं आहे हो आपल्याला काही होत नाही आपण काही करायला हरकत नाही, तसं काही करू नका. ड्रग्सच्या बाबतीत सगळ्यात महत्त्वाचं ड्रग्सपासून सगळे लांब राहा, कारण कुठला गोळीने मालेगाव फार फेमस करून टाकलेलं आहे, की कुठला गोळी तुम्हाला कोणी कुठला जरी दिली तरी घेऊ नका, ड्रग्सपासून लांब राहा. आणि आज जे यांनी कायदेविषयक मार्गदर्शन केलं हे तुम्ही समाजापर्यंत नक्कीच पोहोचणार अशी मी आशा बाळगतो. माझी दोन शब्द समजतो धन्यवाद साहेब. हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य साहब हमेशा से हमें हमारे मार्गदर्शक रहे हैं और उसी तरह हमेशा की तरह आज भी उन्होंने अपनी गिनी चुनी बातों से हमें हमारा पथ प्रदर्शन किया है. जिन किस तरह से वह हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, किस तरह से वह हमें हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, उनकी एक बात को इस तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि ख्वाब है तो ख्वाब की ताबीर लेके आ, ख्वाब है तो ख्वाब की ताबीर लेके आ, मौसम की मुस्कुराती हुई तस्वीर लेके आ. तो इस तरह से हमें हमेशा वह प्रेरित करते रहते हैं और उसी तरह से आज भी उन्होंने थोड़ी सी बात से हम सबको प्रेरित किया है. और अभी मैं आप सभी लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आभार ज्ञापन के लिए हमारे महाविद्यालय के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर शाकिब अहमद जी से विनती करूंगा कि वह आए हुए मेहमानों का आभार ज्ञापन करें. आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे शेर सुने, तो अब मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं अपनी बात को शेर से ही शुरू करूं. तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए ये एक शेर है कि खिल उठे नखले तबीयत शुक्रिया, खिल उठा नखले तबीयत शुक्रिया, शुक्रिया अब्रे इनायत शुक्रिया, खिल उठा नखले तबीयत शुक्रिया, शुक्रिया अब्रे इनायत शुक्रिया, आपकी थोड़ी तवज्जे है बहुत, बढ़ गई लफ्जों की हिम्मत शुक्रिया. तो ऑन बिहाफ ऑफ MGV's आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, I, Dr. Shakib Ahmed, Vice Principal of the College, present the vote of thanks. I am very much thankful to the speakers and guests, Honorable D.D. Kulkarni sir, District Judge, Kurulkar sir,
ऑनरेबल डी डी कुरुलकर सर डिस्ट्रिक्ट जज, ऑनरेबल डी वाई गौड़ सर डिस्ट्रिक्ट जज, एडवोकेट एस के वानी सर, एडवोकेट बाला साहेब पाटिल सर प्रेसिडेंट बार काउंसिल मालेगांव, एडवोकेट मुकुंद शिंदे सर जूनियर रिप्रेजेंटेटिव बार काउंसिल मालेगांव, टीम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मालेगांव। सर थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेयरिंग द टाइम, यू हैव हेल्प्ड अस टू ऑर्गेनाइज दिस अवेयरनेस प्रोग्राम वेरी वेल। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू फ्रॉम अवर बॉटम ऑफ हार्ट्स ऑफ ऑल द डिग्नेटरीज ऑन द डायस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आई एम ऑल्सो obliged to the principal of the program, president of the program, principal S.C. Hale sir, all the head of the departments, teaching, non-teaching staff, and those who are directly and indirectly being instrumental in organizing this program. Last but not the least, the students who have patiently heard the complete program. Thanks a lot. Thank you. महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी की अनुमति से यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, ऐसा घोषित करता हूँ। धन्यवाद।